नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष इस तिथि को रामनवमी या राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। साल 2021 में रामनवमी 21 अप्रैल 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामनवमी के दिन कौन से हैं 9 काम जो अवश्य करने चाहिए, साथ ही एक उपाय जो कर सकता है आपकी मनोकामनाओं को पूरा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। रामनवमी को बेहद शुभ दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करना बेहद लाभकारी होता है। रामनवमी के दिन गृह प्रवेश, दुकान की ओपनिंग समेत अन्य पूजा पाठ किए जा सकते हैं। साथ ही रामनवमी के दिन 9 काम करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 9 कार्य। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करके उनकी मूर्ति को पालने में अवश्य झुलाना चाहिए। साथ ही रामनवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा भी करनी चाहिए। रामनवमी का दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही रामनवमी के दिन राम रक्षा स्रोत, रामायण, बजरंग बाण आदि का पाठ करना बेहद शुभ रहता है। आप चाहे तो अपने घर पर रामायण का पाठ भी रखवा सकते हैं। रामनवमी के दिन किसी राम मंदिर में जाकर भूखे व्यक्तियों को भोजन कराना, साथ ही उन्हें रामायण की पुस्तक भेंट करना काफी पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही रामनवमी के दिन जरूरतमंद एवं ब्राह्मण व्यक्तियों को दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। रामनवमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। आज के दिन अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करें बस एक छोटा उपाय। रामनवमी के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और भगवान हनुमान जी के शरीर का सिंदूर लेकर माता सीता और भगवान श्री राम के चरणों पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके मन में जो भी इच्छाएं होंगी वो भगवान राम और माँ सीता अवश्य पूरी करेंगे। मेरे वीडियो में अंत बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।